उत्तर प्रदेश में अपराध किस तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि कन्नौज के छिबरामऊ में खनन की शिकायत पर पहुंची राजस्व टीम को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष की तरफ से कोतवाली में खनन माफिया के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया है कि 20 से 25 लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के दिए बयान में राजस्व टीम पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कन्नौज जिले की छिबरामऊ तहसील के लेखपाल गजेंद्र सिंह ने छिबरामऊ कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि रणवीरपुर गांव में खनन की शिकायत पर नायब तहसीलदार के साथ वो लोग पहुंचे थे। इसी बीच खनन माफियाओं ने अपने 20 से 25 लोगों के साथ उन लोगों को बंधक बना लिया और एक कमरे में ले जाकर बंद कर उनकी पिटाई की। इस मामले में लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मामले में छिबरामऊ CO ओंकार नाथ शर्मा ने बताया, लेखपाल गजेंद्र सिंह ने छिबरामऊ थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। चार नामजद व्यक्ति और कुछ अज्ञात के नाम इसमें शामिल थे, जिस पर मारपीट और धमकी देने के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई थी। बाद में जानकारी की गई तो पता चला कि जिसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया था, उनके द्वारा खनन विभाग से खनन की परमिशन ली गई थी, जिसकी जांच कराई जाएगी। जहां पर खनन हो रहा था वो जगह ठीक है या नहीं। इस मामले पर छिबरामऊ CO ओंकार नाथ शर्मा ने बताया, लेखपाल गजेंद्र सिंह ने छिबरामऊ थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें चार नामजद व्यक्ति और कुछ अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर मारपीट और धमकी देने के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने जब इस मामले में जानकारी की तो उन्हें पता चला कि जिसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया, उन्होंने खनन विभाग से खनन की परमिशन ली थी। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी कि जहां पर खनन हो रहा था वो जगह ठीक थी या नहीं। इस पूरे मामले पर छिबरामऊ CO ओंकार नाथ शर्मा ने क्या बताया वो सुन लीजिए। थाना छिबरामऊ राज दिन में रहकर एक प्रार्थना पत्र अभियुक्त पंजीकृत कराने के संबंध में चार नामजद व्यक्तियों व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट करने व जो है धमकी देने के संबंध में दिया गया। इस संबंध में जो जानकारी की गई तो इसमें जिस व्यक्ति को विरुद्ध उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है उसमें उनके द्वारा खनन विभाग से खनन करने के लिए परमिशन ली गई थी, जिसकी जांच कराई जाएगी कि उपरोक्त जगह जहां पर खनन हो रहा था वो जगह ठीक है या नहीं। दूसरा, इनके द्वारा जाने से पहले खनन की सूचना पर पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और ना इस घटना के बाद में कल भी घटना इनके द्वारा दिनांक 30/8/24 को सायंकाल बताई गई है कि 5:30 बजे के लगभग घटना हुई। इस संबंध में तो घटना होने के बाद भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई, प्रकरण में अभी पंजीकृत कराकर समग्रता से विधिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से यूपी तक के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।